बात से है कि हम नई लड़कियां आते हैं यहाँ काम करने के लिए, इन बेवकूफ लोगों की वजह से हमें काम नहीं मिलता है। और ये लोग क्या करते हैं, एक ही जने के पकड़ के चलते, उसी के साथ करना हर मूवी में वही रहेगी हर मूवी। ये क्या है भोजपुरी, एक नया लेके आओ भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये झगड़ा लड़ाई बंद करो। मैं ये चाहती हूँ, मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर जिले से, मेरा नाम पलक प्रसाद है, तो एक गांव से आई हूँ मैं ये चाहती हूँ कि हमारा बिहार का नाम रोशन हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी आए और भोजपुरी इंडस्ट्री को गाली देता है। हम कहीं पे भी जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम सिंगर हैं, हम आर्टिस्ट हैं, अभी न्यू आई हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है काम करने, क्योंकि मेरा कल्चर भोजपुरी ही है। तो ऐसे करते हैं, नहीं यार, आप बॉलीवुड में ट्राई करो ना, पंजाब में, ये साउथ में आप ट्राई करो ना, बॉलीवुड में बहुत कचरा है, कोई भी कुछ भी बोलता है, इतना गंद लोग बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा बिहार बदनाम होता है। मैं उस गांव से हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है। जब देखो तो मुद्दा एक बीच में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के भी लेके विवाद चला था, जबकि उन लोगों का आपस के, जब तुम लोग प्यार मोहब्बत करते हो, जब रिलेशन बनाते हो, जब आप एक दूसरे से फिजिकल होते हो, तब आप मीडिया वाले को ये चीज क्यों नहीं बताते हो, जब आप ये पूरे पब्लिक को तो ये चीज नहीं बताते हो, जब तुम लोगों का ब्रेकअप ही होता है, तुम लोग जब अलग होते हो तभी क्यों मुद्दा उखाड़ते हो, पहले ही उखाड़ लेते ना, पहले एग्रीमेंट पेपर बना लेते, साइन कर लेते, फिर उसी हिसाब से चलते, तो पहले क्यों नहीं सोचते, आज तुम्हें शादीशुदा, ये अकरम बकरम, ये फिर आप सफाई देते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में चला, यही होता है यही होता है, यानी कि आप अपने मुंह से ही ये शब्द बोलते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ेगी कैसे। मैंने काजल के कई इंटरव्यू में देखे हैं, कई बार मैंने चिंटू के ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो लोग अभी डाल रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने उसमें भी मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन, पता नहीं किस किस, ये सबके नाम ले रहे हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है। मैं ये चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, लोग देखे, हम लोग जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई है, बहने हैं, मेरी मम्मी है, पापा है, हम सबके साथ में जाए और गर्व के साथ ये मूवी देखे। हम ये चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी कहीं पे भी जाओ, तरे उसका ऐसे हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब पे सब चीज यही, जैसे सर्च करो पहले वही आता है। ये क्या लगा रखा है, तुम लोगों को नौटंकी दिखती है क्या? अगर बिहार से, बिहार को बदनाम करना है, यूपी के बदनाम करना है, तो तुम हो ही क्यों इंडस्ट्री में? अरे जाओ ना, तुम लोग अपना काम करो ना, कोई बिजनेस कर लो, जो जहां के वहां रहो, अपना अपना काम करो, क्यों आए हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? ताकि ये गाला गलौज यूट्यूब पे डालते रहो, छोटे 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 बच्चा देखेंगे, फिर वो भी बड़े होंगे आपके जैसे ही करेंगे, तो यही सिखा रहे हो बिहार यूपी में, और कोई काम नहीं है आपके पास। तो ये भी जानना चाहूंगा कि भोजपुरी फिल्म को लेकर टारगेट आप कर रहे हैं, आपको इस बात का डर नहीं है या इस बात का आपको ये नहीं लग रहा है कि इतने लोग को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कल को आप खुद काम करना चाह रही हैं, रोकेंगे लोग आपको काम करने से? रोकेंगे तो क्या हो गया, मेहनत करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद फाइनेंस करेंगे, खुद के मूवी बनाएंगे, किसी के कहने से क्या हम रुक जाएंगे, हम काम छोड़ के हम भाग जाएंगे बिहार? ऐसा नहीं होगा ना, अपना पैसा लगा के करेंगे काम, नहीं देगा, नहीं देगा काम उन लोगों को, काम मुबारक हो। अभी भी कौन सा होता है, काम के लिए जाओ तो 10 रंग की बातें होती है, ये है वो चीज, अरे पहले तो काम तो करवा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई काम दे या ना दे, मेरी फैमिली सपोर्ट है ना, वही बहुत है, मुझे लोगों का प्यार मिलता है ना, वही काम, नहीं काम मिलने से ही भोजपुरी इंडस्ट्री, मूवी बनाने से कोई नाम नहीं हो जाता है। आपने इतने अच्छे अच्छे मूवी देख के भी आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, यूट्यूब पे ये गाला गलौज, ये वो, ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मैं कहाँ से मर्द लगता हूँ, क्योंकि उसको कोई हिजरा कहता है, ये बच्चों को सिखा रहे आप, यही चीज तो मैं नहीं चाहती हूँ। अगर कोई काम दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग ये भी जानना चाहूंगा कि आप औरत हैं, खुद एक औरत को आप वो कर रहे हैं, काजल को क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कारण, क्योंकि लोग सोचेंगे कि औरत हो के औरत को क्यों मतलब नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं एक औरत हूँ और मैं एक औरत, एक लड़की को बहुत सम्मान करती हूँ। बात हमारे यूपी बिहार की है, एक लड़की की नहीं है। जब मार के भगाया जा रहा था, हमारे यूपी बिहार के जितने भी लोग है सबने बहुत प्यार दिया, उसने किसी ने नहीं कहा कि ये गुजरात की है, किसी ने उसको गाली तक नहीं दी, उसको इतना भरपूर प्यार मिला। और आज एक इंटरव्यू में कहती है मैं गुजरात की हूँ, इसीलिए ना क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं, इस बात से मुझे चीर मची। अब फिर आप इतने सालों का रिलेशन है आपका, और एक पल में आप बंदे को इग्नोर करो और लोगों को मिल के आप उसको गालियों सुनवाओ और ना मर्द कहो, उसको छक्के कहलवाओ, तो ये सब जो ये क्या नाम है, राजकुमार और पांडे जी, चिंटू पांडे जी के लेके जो ये जो चीज चल रही है, अगर काजल रघवानी अगर नहीं होती,
तो फिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी गंदी लड़ाई नहीं होती, राजकुमार आर पांडे रोते हुए लाइव नहीं आते, चिंटू पांडे के मैंने इतनी कभी मैंने विवाद नहीं देखा, वो आज विवाद में नहीं आते, लेकिन आए हैं ना उस लड़की की वजह से आए हैं ना, बस इसलिए नफरत है मुझे उससे। आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम यही रहेगा कि मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी खेसारी लाल से कि वो अच्छे हैं अपने जगह पे, क्योंकि उस एक काली कलूठी लड़की को सीधे सीधे शब्द में कहूँ, क्योंकि जब आई थी तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसको हमेशा भरपूर काम दिया गया, लेकिन उसने बैंड बजा दी और उसके वजह से काफी लोग डिस्टर्ब है, उसके फैंस आके इनके फैंस को गाली बकरे, इनके फैंस उसके फैन को गाली बकरे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, चीज को खत्म करने की मैं कोशिश में हूँ, और भगवान करे आप लोग उनको जाके समझाइए कि जो घटियापन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फैला रहे हैं वो प्लीज ये आइंदा से ना हो, काम पे ध्यान दे, नई नई लड़कियां है जो भी है उनको चांस दे। और खेसारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेसारी लाल अच्छी, क्या उनके साथ में आप काम करना चाहते हो? मैं तो काम करना चाहूंगी, मैं तो हर किसी के साथ काम करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खेसारी जी का सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं खेसारी लाल से एक ही बार फेस टू फेस मिली थी कोलकाता अवार्ड शो में, सिर्फ मैं उनके सामने गई थी, एक सेल्फी लिया था, उस टाइम मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में थी नहीं, तो मैंने उसका बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, तो उन्होंने पता है क्या शब्द बोला, लव यू सी, तो ये चीज मुझे अच्छा लगा, बस इतनी बात हुई है, लेकिन कभी क्योंकि बिग बॉस में रियल दिखाई जाती है, उसने एक भी अपशब्द नहीं बिग बॉस ने बोला, वो उसका रियल फेस है, काम में जो भी है, क्योंकि वो डायरेक्टर और जो राइटर स्क्रिप्ट जो रहता है उसके हिसाब से करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे गंदा इंसान तो लगता ही नहीं, गंदी तो वो लड़की काजल है कि बच्चे रहते हुए बीवी रहते हुए उसको पकड़ के रखी और आज ठोक बजा के ये कहती है क्या वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ देंगे तो हम शादी कर लेंगे, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें इतने दिन से सपोर्ट कर रहे थे तुम्हारा वो, कि उसकी बेइज्जती तुम कर सको।